एनडीए की टीम आज विकास सिंह को अयोध्या लेकर जा सकती है और अयोध्या के देवगढ़ लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है विकास सिंह। विकास सिंह के करीबियों से पूछताछ की जा सकती है। एनआईए को 5 दिन की रिमांड मिली है और इस रिमांड के दरमियान विकास सिंह से पूछताछ का दौर देखिए लगातार जारी रहने वाला है। विकास सिंह को आज अयोध्या लेकर जा सकती है एनआईए की टीम। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी बताया जाता है विकास सिंह। एनआईए की टीम आज उसे अयोध्या लेकर जा सकती है, अयोध्या के देवगढ़ में उसके जो तमाम करीबी हैं उनसे पूछताछ हो सकती है। लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी बताया जाता है विकास सिंह। विकास सिंह के करीबियों से आज एनआईए पूछताछ कर सकती है। किस तरह का प्लान था, क्या आगे की पूरी प्लानिंग थी, उसको लेकर जांच पड़ताल की जा सकती है। एनआईए को 5 दिन की विकास सिंह की देखिए रिमांड मिली है और इसी के चलते आज अयोध्या लेकर जा सकती है विकास सिंह को एनआईए की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है विकास सिंह और विकास सिंह एनआईए की फिलहाल रिमांड पर है। उससे पूछताछ का दौर लगातार जारी है, 5 दिन की रिमांड और आज अयोध्या के देवगढ़ में पूछताछ की जा सकती है विकास सिंह के करीबियों से। ज्यादा जानकारी के साथ रुमान संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। रुमान, विकास सिंह को आज अयोध्या लेकर जा सकती है एनआईए की टीम, क्या जानकारी है इससे जुड़ी पूरी आपके पास? पास में है लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा एनआईए के हाथ लगा था, जिसने इस बात का खुलासा किया कि यूपी का बाहुबली विकास सिंह दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स को पना देता है और उसके लिए लगातार काम भी कर रहा है, जिसके बाद तमाम सबूत जुटाएगा विकास सिंह को गिरफ्तार किया गया। अब विकास सिंह को अयोध्या और कई और दूसरे इलाकों में जो उसका गांव है वहां पर एनआईए की टीम लेकर जाएगी, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनको वेरीफाई करना है। ये बात साफ हो चुकी है, फोटोग्राफ भी सामने हैं जिसमें आरपीजी जो पंजाब के अंदर अटैक हुआ था उसके जो दो गुनहगार थे उन दोनों को विकास सिंह ने अपने यहाँ पे शरण दी थी, और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स भी लगातार विकास सिंह के यहाँ पर आकर ठहरा करते थे। अब ये नेक्सस कितना बड़ा है और क्या जो यूपी के अंदर पिछले दिनों जो हत्याएं हुई हैं या इससे पहले जो वारदातें हुई हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का इंडायरेक्टली नाम भी सामने आया था, तो क्या विकास सिंह इन सब के बीच की कड़ी है या नहीं, ये सब की जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल जांच में पता चला है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के कनेक्शन आईएसआई और कई पंजाब में सक्रिय चरमपंथी आतंकी संगठनों के लोगों के साथ में सामने आए हैं और उनके लगातार संपर्क में भी लॉरेंस बिश्नोई था, तो क्या कहीं कोई एक बड़ी साजिश की तरफ तो ये पूरा गठजोड़ इशारा नहीं करता है, इस बात की जांच भी एनआईए कर रही है। और क्या रुमान के अपने वर्चस्व को और यहाँ पर बढ़ाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग काम करता हुआ नजर आ रहा था? देखिए पूछताछ का दौर तो लगातार जारी है, एक बार फिर से अगर आप बताइए कि पूछताछ में अभी फिलहाल क्या क्या और खुलासे हो चुके हैं? देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर वर्चस्व की लड़ाई थी, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी कई सारी ऐसी चीजें थी जिनको वेरीफाई किया जाना है और इस बात की आशंका एनआईए को है, और इसी के लिए आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाली देश की प्रीमियम एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और इसी सिलसिले में विकास सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से उसने अलग अलग जगह पे अपने बेस और हाइड आउट बनाए थे यूपी के अंदर भी अब उसका फोकस था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सीधे तौर पर जो हथियार सप्लाई होती है या फिर टारगेट किलिंग का काम दिया जाता है वो आईएसआई और पंजाब में सक्रिय चरमपंथी संगठनों के इशारे पर ही कर रहा था, उससे गठजोड़ भी सामने आया है। ऐसे में विकास सिंह की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूपी बेहद ही संवेदनशील राज्य है, एक बड़ा राज्य है, और यहाँ पर सबकी नजर जो गैंगस्टर्स हैं आतंकवादी हैं सबकी नजर लगातार उत्तर प्रदेश पर बनी रहती है। ऐसी स्थिति में अयोध्या जैसी जगह में जो कि बहुत संवेदनशील है वहां पर लॉरेंस बिश्नोई के उन शूटर्स को ठहराना जो कि पंजाब के अंदर पुलिस मुख्यालय पर हुए आरपीजी अटैक में शामिल थे और इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के अलग अलग अपराधों में संलिप्त शूटर्स को पन्ना देना किस तरह इशारा करता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के कनेक्शन आईएसआई और ठीक है रुमान, आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।